इसके पीछे एक डिज़ाइन है। डिज़ाइन हमें असल में मालूम होता है इससे कि आवाम पर इसका क्या असर मुरतब हो रहा है। वो नहीं जो फिल्म मेकर कह रहे हैं कि हमारा मकसद क्या था, बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, रिजल्ट आवाम में क्या निकला वो था असल मकसद। अब ये केरला स्टोरी आई कश्मीर फाइल्स के बाद, कब आई, जब उसका पीक निकल गया उस फिल्म का। अब एक पीक होता है हर फिल्म का, अब नहीं लोग उसे भीड़ देखने जा रहे, वो पीक निकल चुका, तो फिर वही असरात बाकी रहे, तो फिर एक और फिल्म आ गई। कश्मीर में मुसलमान 70% है, अब ये फिर एक दूसरी स्टेट जहां पर मुसलमान 27% है, अब उस जगह को मुंतखब किया गया स्टोरी के लिए। अभी एक तीसरी स्टेट भी है ना जहां मुसलमान बहुत है, इससे ज्यादा है, इनके 27% वहां ऐसी 34-35% आसाम। अभी एक फिल्म द आसाम कॉन्स्पिरेसी भी बननी है, जब इसके असरात ज़ायल हो जाएंगे तो फिर किसी प्रोड्यूसर के जहन में आएगा कि अब पैसे कमाए जा सकते हैं यहां से, इसको बना दें। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट एन अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह الذي له حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله। برادران کرام, خطبے کا موضوع ایک فلم کی سٹوری, عجیب سی بات ہے لیکن وہ فلم جس نے इस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर फिर एक छाप जो है वो और मजबूत की है, यानी बराह-ए-रास्त तमाम मुसलमानों का इससे ताल्लुक़ है, इनके हालात का ताल्लुक़ है, आगे आने वाले हालात का ताल्लुक़ है। कल तक की इतला के मुताबिक, कल शाम तक की, इसने फिल्म अब तक 171 करोड़ रुपए कमा चुकी है 18 दिन में। जो उसके रिव्यू मैंने पढ़े, मैं तो फिल्में नहीं देखता, जो उसके रिव्यू मैंने पढ़े, और फिल्म के रिव्यू आते हैं उन्हीं दिनों में जब फिल्म आती है, 15 दिन बाद नहीं, तो उसमें सबसे ज्यादा बहुत से पढ़े, बहुत से मीडिया जो फिल्म रिव्यू लिखने वाले हैं उनके, उसमें वो भी हैं जिन्होंने सबसे ऊपर की रेटिंग उसकी रखी थी, यानी बहुत अच्छी है, वो थी 5 में से 3, 3/5, और 1 स्टार देने वाले भी थे। 1 स्टार देने वाले इंडिया टुडे, जो प्योर जिसे या खालिस जिसे हम ये कहें कि सरकारी नजरियात की तर्जुमानी करता है, और वो भी थे रिव्यू करने, कहीं ने क्या स्टार दे हमारी तरफ से, आधा स्टार, हाफ हाफ स्टार कहीं रेटिंग में आता नहीं। ये तो थी जब ये फिल्म जैसे ही रिलीज हुई थी बिल्कुल उसी वक्त के रिव्यू, और ये इतने बुरे रिव्यू क्यों थे और इसकी इतनी अच्छी पोजीशन क्यों है। जो रिव्यू मैंने पढ़े और जिन्होंने 1 स्टार दिया और जिन्होंने उसको आधा कहा, आधा स्टार देने के लायक भी नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें एक्टिंग अच्छी नहीं है। इन रिव्यू देने वालों ने भी इतराज किए, 3 स्टार देने वालों ने भी, और उन्होंने ये बताया, और दूसरे, और जाहिर बात है कि उसकी जो मकबूलियत है वो बता रही है कि एक्टिंग बहुत अच्छी है उसके अंदर, जो मेन एक्ट्रेस है जिसके चारों तरफ कहानी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, दूसरे जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनका जितना भी रोल है उसमें उनकी एक्टिंग औसत दर्जे से ऊपर की अच्छी है, और जाहिर है कि अब जब वो आम हो गई 4 स्टेट्स
ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने टैक्स फ्री किया हुआ है। लेटेस्ट हरियाणा है उसमें शामिल होने वालों में टैक्स फ्री करने में। सब वो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। और इस साल की जो फिल्में बनी हैं उसमें अभी तक ये दूसरे नंबर पर है मकबूलियत में या तेजी से आगे बढ़ने में, बाकी हिंदी फिल्मों के अंदर, बाकी सारे रिकॉर्ड और एक्चुअल सिनेमा हॉल के अंदर शोज उसकी रेटिंग के हिसाब से। ये तो रिव्यूज की बात थी जो मैंने आपको बताया। इन्होंने वन स्टार क्यों दिया और कहा कि हाफ स्टार के लायक भी नहीं है। उन्होंने उनकी मेन बात ये थी कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसका मकसद खाली नफरत फैलाना है और इससे नफरतें बढ़ेंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्टिंग बुरी है या डायरेक्शन बुरी है, और उसके बावजूद ऐसे हाफ स्टार दिए। अब फिल्में जो बनती हैं ये फिल्म मीडिया का एक हिस्सा है, जमहूरियत का चौथा सतून, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चार पिलर्स कहलाते हैं डेमोक्रेसी के, जिन पर जमहूरियत कायम रहेगी या रह सकती है। उन चार में से जो चौथा है वो है मीडिया, और मीडिया का रोल ये है कि वो बाकी तीन पिलर्स सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने रखती रहे, ताकि पब्लिक कंट्रोल करे उनके ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है, और ईमानदारी से रिपोर्टिंग करे। उसमें ये फिल्म जो है ये बहुत स्ट्रांग मीडिया है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, इसलिए कि जब कोई फिल्म देख रहा होता है और उसका जाहिर है कि 10-15 मिनट की नहीं होती, कि जैसे 10-15 मिनट की कोई वीडियो देख लिया आपने, तो अच्छी फिल्म वो होती है अगर अच्छी डायरेक्शन है और अच्छी एक्टिंग है, कि जिसमें लोग खो जाएं, अपने आप को खुद महसूस करने लगे उस माहौल का हिस्सा। उसमें जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज उनके दिलों में उतर जाए और ऐसा हो कि जैसे खुद जीने लगे वो सारे सीन्स, तो फिर वो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, ये मालूम होते हुए कि ये तो कहानी है, लेकिन वो कहानी उन्हें रियल महसूस होती है, अपनी जिंदगी का वाकया महसूस होता है, अपने माहौल का वाकया महसूस होता है। अब इसलिए सबसे स्ट्रांग पब्लिक माइंड बनाने में मीडिया का सबसे स्ट्रांग हिस्सा है फिल्में। फिल्में जहन साजी करती, अवाम का जहन बनता है। अब मकसद तो बहुत कुछ बयान किए जाते हैं कि मकसद ये होता है कि जिन सोसाइटीज को अपने माहौल से बाहर भी हम नहीं जानते उनकी मालूमात हो जाए, जिन सोसाइटी के अंदर जो नासूर हैं वो लोगों की नज़र में नुमाया हो जाए, उसका कुछ कर सकें, लोग अपना तर्ज अमल बदलें, सेहतमंद करें। बहुत से मकासद हैं जो बयान किए जाते हैं, जो लिखे जाते हैं, कहे जाते हैं, जो इसके ऊपर कुछ लिखा गया है, ये मौजूद नहीं है, मैं उस पर तफसील से नहीं जाऊंगा। लेकिन फिल्म मेकर्स का बड़ी तादाद, मकसद उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी होता है, बात वो होती है कि खाली हंसना हंसाना, लेकिन ये जो फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म बनाने वाले, मैं और पहले के दौर की बात नहीं कर रहा, मैं तो मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, इनका सबसे पहला मकसद होता है पैसे कमाना। ये बाकी सब बातें तो कही जाती हैं, और जाहिर है किसी की जेब से पैसे निकलवाना मजाक थोड़ी है, वहां उनकी अपनी दौलत भी जुए पर स्टेक पर लगी होती कि करोड़ों रुपए गए पानी, तो उन्हें ऐसे ही रखना है कि पब्लिक में मकबूल हो, उसके लिए फिर ये सब चीजें होती हैं, मकसद और एंटरटेनमेंट और बहुत सी और चीज, किसी स्टोरी ऐसे बनाए जो समाज के, सोसाइटी के सच्चे वाकयात हो,
چاہے وہ کہانی ہو اور کردار فردی ہو، ایسے بنائیں کہ دل کو چھو جائے اور کچھ نہ کچھ مقصد نکلے، چاہے وہ مقصد انٹرٹینمنٹ ہی ہو، یہ حصہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہے مین کہ کامیاب ہو جائے، اور کامیاب ہو جانے کے بعد ان کے پاس پیسے آئیں۔ اب تو صرف یہ ایک مقصد ہے، کچھ ڈاکومنٹریز اور اس کے پہلے اس کے علاوہ کچھ آرٹ فلم بھی کچھ نہیں بہت بنا کرتی تھی، عام طور سے باکس آفس پہ اتنی نہیں چلتی تھی، لیکن پبلک تعریف کرتی تھی، جنہوں نے تھوڑے سے لوگ جو دیکھتے تھے، ریویو اچھے آتے تھے، اور کبھی کبھی انٹرنیشنل جو فلم فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کے اندر پرائزز وغیرہ مل جایا کرتے تھے۔ وہاں صرف ایک مقصد ہوتا تھا ان ڈاکومنٹریز اور ان آرٹ فلمز کے اندر، کہ ہم سماج کی اصل تصویر دکھا دیں، سوسائٹی کی، یا کوئی مقصد ہوتا تھا کہ لوگ اپنی ذہنیت کو کیسے بدلیں کسی خاص فکر سے جو پھیل گئی ہے، کوئی غلطی پھیل رہی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، جہاں تک لوگوں کی نظریں نہیں پہنچ رہی ہیں وہ کیسے لوگوں کو دکھایا جائے اور بتایا جائے۔ اب جب صرف پیسہ کمانا مقصد ہو جائے گا تو پھر فلم میکرز یا پروڈیوسرز وہ سٹوری لکھوائیں گے یا وہ سٹوری ڈھونڈیں گے جسے ان کی حکومت کی سرپرستی ملے، یہ بہت ضروری ہو گیا۔ اس لیے کہ میڈیا، یہ چوتھا پلر ڈیموکریسی کا، یہ آزاد نہیں بچا۔ اب ہر ایک جیسی چاہے فلمیں بنا لیتا ہے، پہلے بناتے تھے، اب نہیں بنا سکتے۔ اب اگر انہیں کوئی کنٹروورشل یا متنازع کوئی موضوع اگر دکھانا ہے اپنی فلم کو کامیاب بنانے کے لیے، تو انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کو سرٹیفکیٹ سینسر بورڈ سے ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس پر پورا حکومت کا کنٹرول۔ یعنی میڈیا جیسے سب جگہ ٹوٹل اس کی آزادی ختم ہو گئی، ایسی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کا کام یہ تھا کہ آزاد رہ کر جو تین اور پلرز ہیں، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری، ان کی رپورٹنگ کرے آزادانہ اور لوگوں تک پہنچا دے صحیح بات، وہ تو بچی نہیں۔ تو فلم میکرز وہ سٹوری ہی لینا چاہتے ہیں جو بہت کامیاب ہو، اور اس کے لیے ساتھ میں انہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پاس ہو جائے، اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے سنسر بورڈ سے، چاہے وہ حالات بالکل سچے ہوں جو چاروں طرف سے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن سارے حالات نہیں دکھا سکتے، سارے حالات پر فلمیں نہیں بنا سکتے جو پہلے بنا لیتے تھے یا بنا سکتے تھے۔ اب ہر فلم ایک، چاہے اس کا اصل مقصد نہ ہو، اس کا اصل مقصد تو یہی ہو کہ پیسے کمانے، اس کی وجہ سے اس نے ایک پیغام رکھ دیا پروڈیوسر نے، لیکن چاہے اصل مقصد وہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہر فلم ایک پیغام دیتی ہے اور ذہنوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور بہت بڑا سورس ہے لوگوں کی ذہن سازی کا فلمیں۔ اس فلم کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ریویوز میں ہیں، آپ میں سے ممکن ہے کسی نے دیکھی ہو، مسلمان یا نہیں دیکھ رہے یا بائیکاٹ کر رہے ہیں یا کم دیکھ رہے ہیں، کہ ایک کیرلا کے ایک ہاسٹل کے اندر 3-سیٹڈ روم تھا، جہاں جس میں 3 لڑکیاں ایک ساتھ رہتی تھیں، اس میں ایک مسلمان لڑکی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے ساتھ رہنے والی ہندو لڑکی کی برین واشنگ کی، دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے اس میں اسے باہر سے مدد مل رہی تھی ٹیکنیکس میں، اور پھر وہ کنورٹ ہو گئی جو فلم کی ہیروئن ہے، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر اس کا ریپ ہوا، یا یوں کہا جائے کہ اس کو بیلا پھسلا کر فزیکل ریلیشن اس سے بنائے کسی نے، اور اس کے بعد اسے تسلی دینے کے لیے اس کی کسی اس سے نہیں جس نے ریپ کیا، کسی اور مسلمان سے شادی کرا دی گئی کہ یہ تمہیں کوئی بات نہیں، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، لیکن تم ان کے ساتھ سکون سے رہو، اور وہ پھر انہیں لے گیا آئی ایس آئی ایس میں بھرتی کرایا، لے جا کر وہاں ماس ریپ ہوتا رہا، اور کیسے کیسے کیا کیا اس نے جھیلا، اور کیسے بھاگی،
और क्या क्या वहां पर उसने और जुल्म देखे, लड़कियों पर इसी तरह की जो ले जाई जाती थी तब फुसला कर ब्रेन वॉश करके, वहां वो उनसे भी मिली, लौटकर किसी तरीके से निकल आ सकी। और आने के बाद उसने अपने हालात बताए कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा। ये फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर इसके पीछे एक डिजाइन है। डिजाइन हमें असल में मालूम होता है इससे कि अवाम पर इसका क्या असर मुरतब हो रहा है, वो नहीं जो फिल्म मेकर कह रहे हैं कि हमारा मकसद क्या था। फिल्म मेकर तो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद, या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं मकसद इस फिल्म का ये था कि दहशतगर्दी जो है ISIS की उसकी तस्वीर दिखाई जा सके ताकि लोग अलर्ट रहें। ये भी कह रहे हैं कि फिल्म का मकसद ये था कि अब लड़कियां नरमचारा न बन जाएं, उनको मालूम हो जाए कैसे कैसे उन्हें फंसाया जाता है, तो ताकि वो होशियार हो जाएं, एजुकेट हो जाएं। ये मकसद तो बयान किया जाता है। असल मकसद क्या था? असल मकसद वही होता है कि अगर अच्छी फिल्म बनी है और कामयाब हुई है तो लोगों के जहन क्या बन रहे हैं, क्या इससे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, अगर कहीं है तब वहां केरला के अंदर, क्या इससे वो जो मकसद कह रहे हैं वो सारे जो लोग जहन लेकर निकल रहे हैं वो हल हो जाएंगे। इससे पहले एक फिल्म और बनी थी, आप सब जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स। बेपनाह असर मुरतब किया उसने पब्लिक के ऊपर। क्या असर मुरतब किया था उसकी एक झलक मैं यहां पर बताता हूं, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था। हमारे एक तंजीम है, उसके जो कुछ मेंबर्स वो जो बहुत से सोशल काम करते हैं, उसमें कम्युनल हारमोनी या फिरका वाराना हम आहंगी के लिए भी काम करते हैं, आपस में मोहब्बतें पैदा करने का। उसमें गैर मुस्लिमों से कभी कभी घर घर जाकर भी मिलते हैं, और बड़े जो उसके अंदर वो होते हैं जिनको बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और फिर वो भी साथ में निकल आते हैं काम करने के लिए। अक्सर उनमें से भी निकल आते हैं, नहीं निकल आए तो वो कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बात बड़ी मुश्किल से शुरू होती है आमतौर से, और नतीजा ये निकलता है जब उनको एक्चुअल फैक्ट्स बताए जाते हैं, वो फैक्ट्स जबानी नहीं होते बल्कि रिकॉर्डेड होते हैं कि लिए देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या किया, मोबाइल के अंदर मौजूद होते हैं। द कश्मीर फाइल्स पिक्चर जब वो बिल्कुल नई नई आई थी और बड़ी गर्म हवा थी उसकी, उसके बाद यहीं पर इसी तरह हमारे वीमेंस विंग, औरतों की, लेडीज की टीम, फीमेल्स की टीम की कुछ गर्ल्स लेडीज जो हैं वो ऐसे जो घर घर जाकर मोहब्बत का पैगाम देती हैं, वो कहती हैं आइए आप भी निकल के आइए हमारे साथ काम कीजिए। एक घर पर वो पहुंची, अभी उन्होंने कॉल बेल दबाई थी, अंदर से कोई नहीं आया, बाहर से कुछ लेडीज आ रही थी घर में जाने के लिए। वो भड़क गई इनको देखते ही, हिजाब वो बुरका उरका भी था, इनको देखते ही भड़क गई। उसमें ही जो घर में असल रहने वाली हैं खातून खाना वो भी थी, और उन्होंने बहुत बुरे लहजे में ये कहा, बहुत सख्त लहजे में, कि आप नज़रों से दूर हो जाइए इस वक्त, आपकी शक्लें बुरी लग रही हैं इसलिए कि हम अभी द कश्मीर फाइल देख कर आ रहे हैं, तो आपकी शक्लें भी बुरी लग रही, चली जाइए बस इस वक्त यहां से, हट जाइए सामने से। तो जो अच्छे समझदार लोग होते हैं, बाज तो झगड़ा कर सकते थे, रिएक्ट कर सकते थे, बाज ये होता है कि बहुत समझदार है उस वक्त चले आते कि फिर देखेंगे, वो उससे ज्यादा समझदार थे। वाकई दीन की जो हिकमतें अमली उसे जानती, तो उनमें से एक ने अपना मोबाइल खोल के कहा कि आप हमसे ही कह रही हैं, देखिए हमने यहां पर इसी रामपुर के अंदर कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हुई और बिंद्रू का कत्ल हुआ उसके खिलाफ मार्च निकाला था, और ऐसे माहौल में निकाला कि जिसके अंदर ज्यादातर मुसलमान उसे बुरा समझ रहे थे, और उसमें वो लेडीज भी थी, उन्होंने उसकी पिक्चर दिखाई, वो भी थी उसके अंदर, लेडीज मेल फीमेल दोनों थे, वो लेडीज भी थी जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए,
और मार्च में चल रही थी कई किलोमीटर, हाथ में बैनर्स थे, देख लीजिए बैनर्स में क्या लिखा हुआ है, प्लेकार्ड्स हाथ में जो है देख लीजिए उस पर क्या लिखा हुआ है। आप हमसे कह रही हैं हमने तो ये किया, तो उन्होंने कहा अच्छा 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 आप आइए घर। और फिर जब वो घर से निकली तो कम से कम मुसलमानों के एक हिस्से की तरफ से उनका जहन बहुत अच्छा हो गया था। तो ये तो मैं आपको ये हरेक जाने वाली या हरेक जाने वाला नहीं कर सकता था जो उन्होंने कर लिया। उस वक्त फौरी फैसला करना होता है ना क्या करें ऐसे माहौल के अंदर। लेकिन क्या जहन बन रहा है ये मैंने आपको बताया कि लोग क्या लेकर निकल रहे हैं वहां से। क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई कश्मीर में? ठीक, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं थी, टेररिज्म था और आज भी है। क्या वो इसलिए बनी थी कि दहशतगर्दी को वाजे कर दे? क्या वो इसलिए बनी थी कि कश्मीर के हिंदुओं की प्रॉब्लम तो हैं वो हल हो जाए? तो नहीं हुई हल, तो ना होंगी ऐसे जो कुछ चल रहा है और जैसे चलता चला आ रहा है आज तक नहीं बहुत सालों से, जहां सियासी पार्टियों के अपने अपने मफादात होते। कोई फिल्म इस पर तो नहीं बनी, ना बन सकती है, ना बननी दी जाएगी इस वक्त कि कश्मीर के मुसलमानों की प्रॉब्लम्स क्या हैं और कश्मीर के अवाम की जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं असल प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, इस पर अब कोई बन भी नहीं सकती, सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। उस फिल्म के अंदर एक हकीकत दिखाई गई थी लेकिन बहुत बड़ा छड़ा था, अरे 100% एक्यूरेसी नहीं थी उसमें, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक हकीकत एक समाज कश्मीर के सबके सोसाइटी के एक खास हिस्से की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जिस अंदाज में वहां जो जो कुछ होता है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर दिखाया गया था। ये तो फिर स्टोरी लिखने वाले करते ही हैं ऐसा, ये गजलें नज़में लिखने वाले शायर भी करते हैं, बढ़ा देते हैं हकीकत को, उनको भी पैसे कमाने उन्होंने भी बढ़ा दिया और बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। रिजल्ट अवाम में क्या निकला वो था असल मकसद और वो था असल मैसेज, अवाम को क्या मैसेज गया। फिल्म के आने के बाद हमने मार्च निकाला ना, वो जैसे मैंने बताया जहां कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई, पहले भी बता चुका हूं यहां के खुद को जब मैंने कश्मीर पर कुछ बातें कही, कश्मीर में सिर्फ हिंदू सफर नहीं कर रहे, कश्मीर के मुसलमान भी पिस रहे हैं। और जाने दीजिए बाकी बातों को, मैं मारे जाने की बात करूं, जितने फीसद मुसलमान हैं और जितने फीसद हिंदू हैं उतने ही फीसद अपने फीसद के हिसाब से हिंदुओं की किलिंग हुई है और उसी फीसद के हिसाब से मुसलमानों की किलिंग हुई है, मुसलमान मारे गए हैं। ये आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ये आंकड़े लोगों के सामने नहीं लाए जाते, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं इस बात का कि भाई वहां की मिनोरिटी या वहां के अकलियत या हिंदुओं पर जुल्म नहीं हो, नहीं होना चाहिए। असल जिम्मेदारी मुसलमानों की है कि वो इसे कैसे रोकें और इस माहौल को कैसे दुरुस्त करें। लेकिन फिल्म ने क्या असरात छोड़े मैंने सिर्फ ये बताया, एक मिसाल देकर सिर्फ, ये एक मिसाल थी जो हमारे घर के सामने थी जिसकी फर्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आई, यही पूरी दुनिया में चला है, पूरे हिंदुस्तान में चला। मैं फिर दोबारा उस जुमले को दोहरा दूं कि वहां एक स्टोरी दिखाई गई, एक स्टोरी बनाकर यह दिखाया गया था, यानी जो कुछ दिखाया गया था हकीकत दिखाई गई थी लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ाकर और तोड़ मरोड़ कर कुछ। इस पर कोई इल्जाम देना मुनासिब नहीं, इसलिए कि हर एक हकीकत को बढ़ा चढ़ा देता है जब वो स्टोरीज बनाता है। अब ये केरला स्टोरी आई कश्मीर फाइल्स के बाद, कब आई? जब उसका पीक निकल गया उस फिल्म का। अब एक पीक होता है हर फिल्म का, अब नहीं लोग उसे भीड़ देखने जा रहे, वो पीक निकल चुका, तो फिर वही असरात बाकी रहे, तो फिर एक और फिल्म आ गई। कश्मीर में मुसलमान 70% है, कोई 100% एक्यूरेट फिगर नहीं दे रहा, इसलिए कि 2021 में जो
सेंसस की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, वो अब तक नहीं आई है। कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आने वाली, चंद हफ्तों में, इसलिए ये बिल्कुल कोई एक्यूरेट फिगर नहीं। लेकिन 70% मुसलमान है वहाँ, तो एक वहाँ की, एक वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये स्टोरी आई। मैंने आपको बताया कुछ उसके बुनियादों में कुछ हिस्सा हकीकती है। अब ये फिर एक दूसरी स्टेट जहाँ पर मुसलमान 27% है, 27% है, तो 27% भी इस मिनोरिटी, इस अकलियत वाले मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद हो गई। मैंने हिंदुओं के आधे हैं, हिंदू 54% हैं, फिर ईसाई हैं वहां। तो वहां पर अब उस जगह को मुंतखब किया गया स्टोरी के लिए, द केरला स्टोरी के लिए, उस स्टेट को। और वहां पर जो कुछ, यानी इससे मालूम होगा कि उन्होंने जो सबसे पहले जब उसे चलाया, ये चलाना चाहा, तो जो उसका ऐड होता है, जो टीजर्स कहलाते हैं और कुछ झलकियां वो देते हैं कि लोग इसे देखें इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया कि 32,000 केरला की लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, 32,000 के साथ में, ये तो आप जानते ही, आप में से ज़्यादातर, लेकिन मैं एक मकसद वजह से दोहरा रहा हूँ कि वो सब, वो यहाँ पर लव जिहाद का शिकार हुई और ISIS में भर्ती हो गई जाकर, केरला की 32,000। अरे इस वक्त पूरी दुनिया में ISIS के लोग 32,000 नहीं बचे, छोड़े उसे, वहां चैलेंजेस आ गए कुछ। लोगों ने कहा दो लड़कियां गई हैं ISIS में यहां से केरला में, और किसी ने लाखों, किसी ने करोड़ों इनाम रखा कि तीसरा केस बता दो, तुमने 32,000 कह रहे हो। तो फिर फौरन अगले ही दिन उन्होंने 32,000 को तीन कर दिया, 32,000 से 3 रह गया कि 3 लड़कियां, क्योंकि अब वो बात लीगल हो जाती और SMS में फंस रही थी। लेकिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। कंट्रोवर्सी बड़ा फायदा देती है मीडिया को, अगर मीडिया का जो भी मकसद है उसे किसी भी स्टोरी को कामयाब बनाने के लिए कंट्रोवर्सी, तनाजा, इख्तलाफ, ये बड़ा जरूरी होता है पैदा करना, जहां पैदा हो सके और हो जाए उसकी कामयाबी अपनी बुलंदों पर पहुंच जाती है। वो सलमान रुश्दी की किताब थी, शुरू से लेके बाद तक के जब तक लिखे जाते रहे, जो रिव्यूज थे उसकी किताब के ऊपर, शैतानी आया, द सैतानिक वर्सेस, वो सब थे कि बेहद बोगस नॉवल है। पूरी दुनिया में सबने ये कहा कि बोगस है, यानी उसके अंदर नॉवल की ब्यूटी और खूबसूरती और लिटरेचर और अदब के एतबार से कुछ भी नहीं है। एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इख्तलाफ, और उस कंट्रोवर्सी ने उसको इंतहाई बुलंदियों पे पहुंचा दिया, उस किताब को, इतनाजा पैदा हुआ। अब वो कंट्रोवर्सी जो है वो यहां पर एक हो गई क्रिएट। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोड्यूसर का मकसद ये था कि कश्मीर फाइल से जो असरात मुरतब हुए थे उसे बाकी रखना है और अब केरला स्टोरी दिखाई जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन असलन वो ऐसे ही रहा है कि वहां उसके असरात खत्म हुए और ये अगली स्टोरी आ गई। मैंने बताया ना कि उसमें तो कुछ हकीकतें भी थी, ये खालिस अफसाना, प्योर प्योर अफसाना और प्योर प्रोपेगेंडा। तो ये इसलिए कि ISIS का कोई वजूद अब, अरे पहले भी नहीं था, ये अलकायदा और ISIS हिंदुस्तान की सरहद पर आकर रुक गए, यहां नहीं एंट्री मिली, नहीं यहां के मुसलमान नहीं गए इनके साथ, कहीं कहीं कुछ केसेस की बात तो होती है अलग। अब केरला में अगर दो लड़कियां, या इनके कहने के मुताबिक 3 लड़कियां अगर चली गई उनके माहौल के अंदर अपने साथियों के साथ रहने में, उनका जहन बदला और उनको धोखा दे दिया गया, तो पूरी केरला की स्टेट के अंदर अगर ये 3 केस निकलकर सामने आए तो ये केरला स्टोरी नहीं है, ये केरला की तस्वीर नहीं है, ये केरला स्टोरी नहीं है, ये अफसाना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों यही कहा, चूंकि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी फिल्म की इजाजत को लेकर,
मेरा बंगाल में नहीं दिखाने दे रहे, स्क्रीनिंग बंद की हुई है। केरला में तो खुल गई थी शुरू में ही, वहां के हाईकोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, ठीक दी। अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, लेकिन साथ में ये कि अगर उसके कोई दूसरा पहलू भी है, चाहे वो गलत अंदाज में कोई कह रहा है, उनको भी इजाजत होनी चाहिए कि बात कह सकें, लोग जज करें, उनको इजाजत नहीं। दिक्कत सारी ये है। कितने मसाइल यहां पर और हैं, चाहे वो लिंचिंग के हो और चाहे वो नफरतों के और दूसरी चीजों के हो, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बन सकती। तो ये अफसाना जो केरला स्टोरी का है, अफसाना तो यहीं से साबित हो गया जो 32,000 से तीन के तीन लड़कियां पूरी आबादी के अंदर, पूरी वहां की 54% हिंदू आबादी के अंदर तीन लड़कियां ऐसी निकली। अरे 30 भी निकलती तो ये केरला स्टोरी नहीं होती इतनी बड़ी तादाद के अंदर। मैं याद दिला दूं आपको, बहरहाल उससे पहले ये द केरला स्टोरी का अफसाना वहां से शुरू नहीं हुआ और ISIS और शाम उधर नहीं गया या अफगानिस्तान। ये केरला स्टोरी का अफसाना यही हिंदुस्तान में शुरू हुआ। ये हिंदुस्तान में शुरू हुआ सन 2014 में। 2014 में मेरठ के एक गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था शालू और एक लड़का उसका नाम था कलीम। दुनिया में होता है या हिंदुस्तान में भी होता है, कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ में अफेयर हो जाता है, किसी हिंदू लड़की का किसी मुसलमान लड़के के साथ अफेयर हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। ऐसा भी बहुत होता है कि उनकी बड़ी मुखालफतें होती हैं फिर भी कर लेते हैं, या रुक जाते हैं या मार दिए जाते हैं, ये सब कुछ होता रहता है, होता चला आया है। वहाँ ये कलीम और शालू 2014 में ये केस बेपनाह उछला पूरे हिंदुस्तान में, और वहाँ पहली दफ़ा नाम आया था लव जिहाद का। इसलिए कि जब वो लड़की को अरेस्ट किया गया ढूंढ ढांड कर, तो उसने ये बयान दिया कि मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ, मुझे किडनैप किया गया था। इसने कलीम ने और कुछ और लोगों ने, वो 8 लोग भी अरेस्ट हुए साथ में कलीम के साथ, और फिर मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ, मास रेप, और जबरदस्ती मुझे कन्वर्ट किया गया और इन्होंने धमकाकर और कैद में मुझे रखा हुआ था, तब पुलिस ने बरामद कर लिया। ये सारे न्यूज चैनल पर बस यही था, लड़की माँ बाप के हवाले कर दी गई, वो जेल गए, अब जो कुछ भी चल रहा था उनका, कलीम और 8 दूसरे। फिर 2018 में कुछ महीने के बाद फिर एक धमाका हुआ, ये लड़की किसी तरीके से अपने घर से भागी, महिला थाने पहुंची, वहां उसने बयान दिया बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूं, और उससे पहले मुझसे जान के खौफ से जो कुछ भी था मैंने बयान दिया था, जो कुछ मैंने दिया था, लेकिन मैं अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती हूँ, उससे मेरा निकाह हुआ था। अब ये 2014 में तो अब शुरुआत हुई थी, ये तो फिर लव जिहाद का नाम अभी आया था, और अभी नफरतें फैलने की शुरुआत वहां हुई है। अब से 9 साल पहले फैली नहीं थी इतनी जितनी आज है। प्रेस भी उस वक्त आजाद था, प्रेस पर कंट्रोल नहीं हुआ था 2014 में, तो प्रेस ने यह भी दिया, लड़के ने बयान दिया कि ये सब झूठी थी बात जो मुझसे बयान दिलवाया गया था पहले, और मैं अपनी खुशी से आजादी से मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं, और मैंने उससे निकाह किया था, और फिर फैसला यही हुआ कि उसको उसके शौहर के साथ भेज दिया गया। और ये था पहला लव जिहाद का केस हिंदुस्तान में। इसकी और भी हैं तफसीलात, लोगों के सामने वो पहला वाला शुरू का हिस्सा तो आ जाता है, और कम से कम अब जब मीडिया पर कंट्रोल हो गया और सोशल मीडिया चारों तरफ झूठ फैलाने लगा, लेकिन फिर उसके बाद उसकी रद्द उस फेक स्टोरी की नहीं आती, वो लोगों तक पहुंचती नहीं, तो जो असल हकीकतें उसके बाद को होती हैं। और तकरीबन सारे केसेस में ऐसे ही हुआ जो लव जिहाद के नाम से मुख्तलिफ जगहों पर फैलाए गए जो मैंने अभी बताया।
तो लव जिहाद यानी उस द केरला स्टोरी की शुरुआत, क्योंकि वहां पर बात लव जिहाद इन्वॉल्व है। एक दूसरा हिस्सा उस स्टोरी का, द केरला स्टोरी फिल्म का, ब्रेन वॉशिंग, इसकी शुरुआत केरला में ही हुई, इस अफसाने की ब्रेन वॉशिंग करने की। आपको याद होगा बहुत मशहूर हो गया था केस, एक लड़की थी हादिया, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद वहां पर लोगों ने उसकी शादी एक मुसलमान से करा दी, हादिया की। अब वो बहरहाल रिपोर्ट हुई, फौरन उसे अरेस्ट किया गया। वहां पर ये बात आई कि चूंकि लड़की ने बयान दिया कि मैं अपनी खुशी से, मैंने मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था, लड़की ने चूंकि अदालत में ये बयान दिया कि मैं अपनी खुशी से मैंने निकाह किया था इसके साथ में और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं, तो फिर वहां पर फलसफा पहली दफा लाया गया ब्रेन वॉशिंग का, कि ये ब्रेन वॉश्ड है, ये जो कुछ बोल रही है ये इसका ओरिजिनल जहन नहीं है, इसे ब्रेन वॉश किया गया। पहली मरतबा ये ब्रेन वॉशिंग की थ्योरी आई थी, लव जिहाद की वहां आई थी, ये इस केस में आई जो केरला में ही हुआ था। तो ये द केरला स्टोरी की जो थीम है, जो अफसाना है, उसकी बुनियादें यहां हिंदुस्तान में है, अफगानिस्तान और सीरिया के आईएसएस में नहीं है। तो उसके बाद केरला की हाईकोर्ट ने मान लिया उस थ्योरी को, उस थ्योरी को उन्होंने मान लिया उनकी तरफ से जो दी गई थी ब्रेन वॉशिंग की, और लड़की को मां बाप के हवाले कर दिया। वहां वो कैद रही, रोती रही, बिलखती रही, और बहरहाल चूंकि हाईकोर्ट तक केस आ गया था तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लोग लेकर गए, वहां हादिया को बुलाया गया, और वहां फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तो ये किया कि हादिया को उसके शौहर के साथ भेज दिया। मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, केस की सुप्रीम कोर्ट का जहन भी शुरू में उसकी बात ही सुनने का नहीं था, यानी उसका स्टेटमेंट सुनने को तैयार नहीं थी शुरू में सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि केस उसने फाइल नहीं किया था और उसी का असल केस था। तो बहरहाल किसी तरीके से राजी हो गई कोर्ट, और फिर उसकी बातें सुनकर जो जो कुछ उसने बताया, फिर कोर्ट ने और फैसला किया और उसको उसके शौहर के साथ भेज दिया, कहा इनको हिफाजत की जाए इनकी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए से इंक्वायरी कराई जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हिंदुस्तान की, मरकज में किसकी हुकूमत थी आप जानते हैं, वाकया है 2016 का। एनआईए किसके कंट्रोल में है ये भी आप जानते हैं, सेंटर के कंट्रोल में, स्टेट की नहीं होती। एनआईए को इंक्वायरी के लिए भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लव जिहाद की तहकीकात करो, लीगली तो ये कोई चीज है नहीं, कानूनन तो ये कोई चीज नहीं है, और ये जो ब्रेन वॉशिंग और ये सब कानूनन कुछ नहीं है, लेकिन तुम इसकी तहकीक करो जाके, एनआईए से कहा गया। एनआईए वहां पहुंची, सेंटर की एजेंसी है, 2016 की बात है ये, एनआईए पहुंची, ये 2017 की बात है शायद। एनआईए वहां पहुंची, केरला की अलग अलग जिलों की पुलिस ने उनको 89 केसेस दिए कि जहां पर कोई हिंदू लड़की ने किसी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ किसी मुसलमान से शादी कर ली थी। एनआईए ने उन केसेस की तहकीकात की, तहकीकात करने के बाद बाकी तो सारे जल्दी ही रिजेक्ट कर दिए फौरन, 11 केस ले लिए, उन 11 की ज्यादा गहरी तहकीकात की। उसके बाद एनआईए का बड़ा मशहूर बयान आया है, यानी बाकी तो रिपोर्ट है पूरी, उन्होंने कहा हमने ये पाया कि केरला में लव तो है, जिहाद नहीं, और ये सब झूठी बातें हैं जो मशहूर हैं। तो ये सेंटर की एनआईए ने किया है, ये जो रिपोर्ट दी थी। अब ये द केरला स्टोरी में फिर वही, लेकिन बुनियाद पड़ चुकी लव जिहाद की और ब्रेन स्टोरी की। तो ये कहानियां हिंदुस्तान में, ये अफसाना यहाँ हिंदुस्तान में बनाया गया, जो शुरू हुआ जो द केरला स्टोरी की शक्ल में सामने आया। मैं फिर कहूंगा ये फिर आगे बात को, और मकसद क्या है, बात पूरी नहीं होगी, अब बात इसके आगे काफी है, जैसे बड़ी गहराई से जाना है। आईएसआईएस क्या है, अब कहां है, किसने खड़ी की, इससे पहले दहशतगर्द तंजीम अलकायदा क्या थी, किसने खड़ी की, क्या लिंक्स हैं, क्या क्या साजिशें थी, और इसके तार फिर वहां पर आईएसआईएस से जुड़ना, यानी स्टोरी के अफसाने के। ये बात है, असल मैसेज
और फिर जाहिर बात है कि असल मैसेज ये वो कि मुसलमान क्या करें। मैं सिर्फ एक आयत पर बात को ख़त्म कर रहा हूँ और फिर ये भी जारी रहेगा अगले हफ्ते। ये तफसीला सब इस स्टोरी को समझने के पीछे क्या है, ये बहुत ज़रूरी है ज़्यादा गहराई में जाकर समझने, जिसमें ये सब चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी नाम लिए। ये एक आयत बस कुरान की, इस पर मैं ये आज का बयान ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि अभी नहीं आया वो मौजू आएगा बात को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी खाली फिल्म पर बात ना कर लूँ खुतबे के अंदर। अभी वो हिस्सा तो आना ही है कि मुसलमान क्या करें, लेकिन क्या करें कि एक आयत तो सुन ही लीजिए। इदफा बिल्लती ही आसन, बुराई को भलाई से तोड़ करना, उसका दफा करना। फैदल्लती बहन का वो बहन है वो अदावत, उनके बड़ा मुश्किल है। कुरान ने इसमें आगे भी कहा, मैं उस आयत की तशरीह नहीं कर रहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही होगा। और तुम्हारे जो दुश्मन है वो भी जिगरी दोस्त बनेगा, बशर्ते के शैतान तुम्हें बीच में बरगला नहीं दे। ये भी आगे कहा, इसको फिर और ज्यादा तफसील से इंशाल्लाह आइंदा मरतबा और आइंदा चले। अगर यही स्ट्रेटजी रही, अगर ये चीज मुसलमान अपना सकें, इनके पास पाकिस्तानी उलमा के वीडियो नहीं आ जाए कि जो इस्लाम तो के लिए तो मारकाट जरूरी है, अगर उस पर आ जाए कि जो इस्लाम ने वाकई कहा है, कुरान ने वाकई कहा है, तो फिर हल तो वही है। आपकी अकलें चाहे जो कुछ कहें और आपके सियासी और मजहबी लीडर चाहे जो कहें, और जब तक उस हल पर नहीं आएंगे तब तक ये हालात और बद से बदतर होते चले जाएंगे। अभी एक तीसरी स्टेट भी है ना जहां मुसलमान बहुत हैं, इससे ज्यादा हैं, इनके 27% वहां ऐसी 34-35% आसाम। अभी एक फिल्म द आसाम कॉन्स्पिरेसी भी बननी है, ये तो मैंने कह दिया नाम कुछ भी रहने उसका, इसलिए कि ये लिंक तो सारे तब पूरे होंगे जब ये तीन बड़ी स्टेट्स जहां पे मुसलमान अच्छी खासी तादाद के अंदर हो जाएंगे, जब इसके असरात ज़ायल हो जाएंगे तो फिर किसी प्रोड्यूसर के जहन में आएगा कि अब पैसे कमाए जा सकते हैं, यहां से इसको बना दे। अगला नंबर उसका है, लॉजिकली होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी तफसीलात आइंदा मरतबा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलैल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।